भारत देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। 2000 सालों पूर्व दुनिया में सिर्फ हिंदू थे, लेकिन इसके बाद जो धर्मांतरण हुआ उसके बाद कोई क्रिश्चियन बन गया तो किसी ने इस्लाम धर्म अपना लिया। मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगी तो अगले 50 सालों में उनकी सभी संपत्तियों पर मुसलमानों का राज होगा। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून, एंटी लव जिहाद कानून और घुसपैठियों को भारत से भगाने का कानून बनाना बेहद जरूरी हो गया है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने उज्जैन में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन के दौरान कही। त्रिशूल दीक्षांत समारोह और विशाल हिंदू सम्मेलन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर लिए जा रहे शुल्क पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस मामले में मेमोरेंडम दिया है जिस पर हमारा स्पष्ट मत है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई टैक्स शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। भगवान के दर्शन के नाम पर यदि कोई टैक्स वसूला जाता है तो ये महापाप है और यही हमारी स्पष्ट मंतव्य भी है। इसके साथ ही आपने बताया कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए प्रयासरत हूँ। 18 सालों में यह कानून नहीं बन सका। इसके जवाब में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि जब प्रवीण तोगड़िया इस कानून को बनाने के लिए निकला है और इसे बनवा कर रहेगा। अतिशीघ्र दर्शन के नाम से 250 रुपए, भस्मा आरती के नाम से 200 रुपए और भस्मा आरती के नाम से 200 रुपए इस तरह का शुल्क लिया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस मुद्दे पर मेमोरेंडम ऑलरेडी दिया है। हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई टैक्स शुल्क नहीं होना चाहिए और भगवान के दर्शन पर टैक्स लगाना यह पाप है। यह स्पष्ट हमारा मंतव्य है, हमने यह स्टैंड लिया है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने केरला स्टोरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में हिंदुओं की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, जिसका डॉक्यूमेंट केरला स्टोरी है। केरला स्टोरी गौरव की बात नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है। केरला स्टोरी दिखाने की जगह हमें हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहिए और सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए। राजनीति का देश में हिंदूकरण हो गया है, सभी पार्टियां हिंदुओं की ओर सोच रही है। ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी जी, भूपेश बघेल राम वनगमन पद और शिवराज सिंह चौहान राम वनगमन पद पर ध्यान दे रहे हैं। देश की राजनीति का हिंदूकरण होना अच्छी बात है, लेकिन जो दल हिंदुओं की स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की ओर ध्यान देगा उससे ही अब सत्ता का लाभ मिलेगा। आपने ये भी कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा जिस पार्टी को नहीं होगी, देश में ऐसी पार्टियों को हिंदुओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सभी भाई चतुर हैं, उन्हें पता है कि झटका आखिर कहां से लगा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।